गाइस, हम आज लटभडोल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे मम्मा की सिस्टर हैं, बड़ी मतलब मासी, तो मतलब वो लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, अभी गांव आए हुए हैं तो उनके घर जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हो जैसे कि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बरसात के टाइम तो पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी रहती है हिमाचल में। ये प्रशांत, मम्मा, सुहाना, हम सब चल रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? और देखिए, आज हिमाचल में हमारे गांव में इतना बुरा मौसम हो चुका है कि देखिए, बारिश ही बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है और रात से बारिश हो रही है, और लाइट भी जस्ट अभी आई है, और अब जो है थोड़ी मौसम की राहत मिली है। मॉर्निंग गाइस, हम लोग मासी के घर पे आए थे, तो आप देख सकते हो आज इतना ज़्यादा मतलब धुंध है, हर तरफ पे धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग मासी के घर आए थे, यहाँ लटभडोल में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे आए थे हम लोग रात को। तो रात को इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बार बार लाइट जा रही थी, आ रही थी, हम सो ही नहीं पा रहे थे ठीक से, और बारिश भी हो रही थी। बारिश के साथ साथ मतलब इतना गर्म मौसम था कि मतलब रात भर सो ही नहीं पाए। अब जैसे कि मौसम आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मतलब फोगी फोगी हर तरफ, ये देख सकते हो आप, चारों तरफ धुंध ही धुंध है। बरसात में तो यहाँ पे हिमाचल में ऐसा ही मौसम रहता है, चारों तरफ धुंध। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, ये मासी का घर है, ये केले के छोटे छोटे खेत है। ये प्रशांत खड़े हुए हैं, देखो प्रशांत खड़े हुए हैं यहाँ पे, देखो बहुत ही मतलब इतनी प्यारी ग्रीनरी है, फ्रेश एयर मॉर्निंग। हम सो के उठ रहे हैं और यहाँ पे 7 बजे ही ये नानी है हमारी प्यारी सी, ये कचौरियाँ बना रही है सुबह 7 बजे, और ये मासी जी हैं, दोनों सुबह सुबह कचौरियाँ बना रहे हैं। तो ये अद्भुत चीज आप बनाते कैसे हैं नानी जी, बताएंगे थोड़ा सा आप? पहले तो आटा गूंदना पड़ता है, गूंद के उसको खमीरे के लिए थोड़ी देर रखते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो जब वो खमीरा हो जाता है तो दाल वाल पीस के फिर उसमें डालते हैं, डाल करके उसकी कचौरियां पहले ऐसे तैयार करते हैं, फिर तेल में डाल करके निकालते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे हिमाचल की बड़ी फेमस सी मतलब डिश है। हाँ जी, हम जैसे छोटे मोटे जो भी हमारे त्योहार, हम कचौड़ी जरूर बनाते हैं, वो भी दाल की ना, काली दाल की, काली दाल की, उड़द की दाल की। हाँ जी, बहुत ही टेस्टी बनती है, मैंने बहुत बारी खाई है। देखो यहाँ पे कचौड़ियों के लिए तेल गरम हो रहा है और यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं। जब गाइस बन जाएगी तो अच्छा, ठीक है। पुराने नहीं नहीं तो ये देखिए दोस्तों, अभी कचौरी बन के तैयार हो रही है। हाँ। इसकी अच्छे से मतलब तलाई होगी, अभी खुलेगी भी है, खुल गई है, इसमें इस डाला होता तो ऑलरेडी खुल गया है। काली दाल की कचौरी है ना? हाँ। तो देखिए धीरे धीरे फुल भी रही है, कलर भी चेंज कर रही है, थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट ब्राउन आ रहा है, और यहाँ पे इसके साथ लेमन टी बन रही है इसके साथ नहीं, इसके लिए। अब ये पकाते हैं कि नहीं पकाते वो भी देख लेते हैं। क्या है, उसको पूरी को ऊपर से दबाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें तेल जो अंदर जाता है एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो पकना शुरू होती है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लेमन टी बन के तैयार हो गई है, और इसमें हमने जो है एक स्पेशल चीज़ डाली है जो हिमाचल वालों को, हमारे सबको पता है, भाबरी, उससे इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाता है। हेलो गाइस, अभी हम लोग दूध लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गाँव में बहुत मुश्किल होता है, घर से दूध लाना पड़ता है, यहाँ पे धानगी छोड़ने के लिए भी नहीं आते लोग। मासी खड़ी हुई है क्योंकि रोड थोड़ा रिस्की है नीचे को, लकड़ियाँ कटी हुई हैं बहुत सारी, यहाँ गाँव में लकड़ियाँ काट के रखनी पड़ती है, स्टोर करके रखनी पड़ती है। हम जा रहे हैं दूध लाने, ये देखो रोड बहुत ही खराब है, बारिश भी हुई, यहाँ पूरी मिट्टी धुल चुकी है। ये देखिए
बारिश का मौसम है, बरसात आ चुकी है। वो लासा भी गया यहाँ पे तो अब तो नहीं जाएगी ना गाड़ी आगे। ये देखिए, अरे इन्हें तो हम दादी के पास अपनी के पता है मुझे। बहुत ही बड़े पत्थर, एक तो बहुत ही बड़ा है, तू नहीं हटा पाओगे ना? ये तो ये निकल जानी बस। नहीं नहीं निकलेगी, गाड़ी बड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं आ। नहीं नहीं ये तो नहीं निकल जानी, निकल जानी बेटा, निकालो तो नहीं निकलेगी, कंजस्टेड है रोड पे। हां तो इसको थोड़ा साइड करने के लिए प्रशांत पूरा जोर लगा रहे हैं इसको हटाने के लिए, देखते हैं हटा पाते हैं कि नहीं। मिट्टी है ना इसमें, तब नहीं उठा पाओगे इसको। आम का पेड़ भी दिखाई दिया मेरे को, बहुत छोटे छोटे आम लगे हुए हैं इसमें, अभी पके नहीं है गाइस, बहुत ही छोटे छोटे हैं अभी तो, अभी इनका मौसम ही नहीं आया पकने का। पत्थर तो नहीं हटा क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत फंसी हुई है, चिकनी है मिट्टी, तो हाथ इनका बार बार स्लिप हो जा रहा है। देखते हैं गाड़ी निकाल पाते हैं कि नहीं। ऐसा तो लग रहा है कि निकल ही जाएगी। मास्टर अभी गाइड कर रहे हैं इनको। नहीं निकल पाएगी शायद, पत्थर कोशिश जारी की जा रही है पत्थर उठाने की। वाह क्या बात प्रशांत, वेरी गुड, बस बहुत है, अब गाड़ी निकल जाएगी, निकल अब तो जाएगी अब गाड़ी। अभी देखते हैं दोबारा गाड़ी निकलती है कि नहीं निकलती, कोशिश बेकार नहीं जाएगी हमारी। फाइनली गाड़ी आ गई है, अब हम तो बहुत ही बुरे हाल है, हर जगह पे पत्थर ही पत्थर गिरे हुए हैं, पीछे भी बहुत ही इतनी मतलब बरसात हुई है रात, देख सकते हो आप हर जगह पे आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। अब भी तो बरसात की स्टार्टिंग ही है, देखो पानी ही पानी है। जून महीने में बरसात आ गई हिमाचल में तो यहाँ पे दूध लेना है, मतलब दूध लेने के लिए आए, उनका घर नीचे दिखाई दे रहा है, रोड से थोड़ा नीचे है ये। गांव का एक अलग ही मजा है, फ्रेश दूध, फ्रेश पानी, फ्रेश एयर, फ्रेश सब्जियां, हर चीज़ फ्रेश मिलती है, सबसे बड़ी बात केमिकल फ्री। बहुत ही प्यारा है और भयंकर भी दिख रहे है। देख सकते हैं हमारा पुराना गांव है, अपनी दुकान कहाँ की? ये वाली पूरी वीडियो बना दी चक देखन वाली को चेला हुआ। 1 किलोमीटर पीछे देखो बहुत ही मतलब फ्लड तो क्या नाला है ये, बहुत ज्यादा पानी आया है इसमें आप देख सकते हो। ये भी लगा हुआ है आप देख सकते हो, अभी 4 बज रहे पर पूरा अंधेरा हो रहा है, देखिए चारों तरफ धुंधे धुंधे, बड़े मुश्किल से रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग अभी रुक गए हैं, बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है और आप देख सकते हो प्रशांत अपनी साइड से दिखा ना, बुरी हालत है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरी धुंध पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है सामने। ये देखिए पूरी इतनी बड़ी खाई है लेकिन यहाँ से क्लियर भी नहीं। इतनी
रहा है ऐसे पहाड़ों में, मतलब अपनी फोक के साथ रास्ता कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें तो आदत है इस चीज की ना, तो नॉर्मल जो लोग आते हैं बाहर से उन्हें इतनी आदत नहीं होती इस चीज की। और यहाँ पे ऐसा है कि अभी हमारे को जो है पार्किंग लाइट ऑन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि सामने जो भी गाड़ी आएगी उसको गाड़ी नहीं दिखेगी अगर पार्किंग लाइट ऑन नहीं है तो। और कोई कोई रास्तों में ऐसा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतनी ज्यादा धुंध है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे, बस एकदम सामने से जो जगह दिख रही है वो आपको से आपका रोड दिख रहा है। वही ना, हॉरर मूवी का सीन लग रहा है अभी, जैसे वो राज मूवी की शूटिंग हुई थी वैसी जगह लग रही है पूरी। देखिए आप इसे देख सकते हैं कि हमारे को मतलब कहीं कहीं जगह जाके मतलब लाइट भी ऑन करनी पड़ती है। अभी तो यहाँ पे थोड़ा जो मौसम है वो थोड़ा सा खुलने से जैसा लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। खत्म हो चुकी है अभी, हम लोग घर से मतलब 8 किलोमीटर पीछे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मोमोज खाने का मन कर रहा है, देखते हैं रास्ते में कहीं मिलते हैं। देखो बहुत ही मतलब फ्लड तो क्या नाला है ये, बहुत ज्यादा पानी आया है इसमें, आप देख सकते हो मेरे के भी लगा हुआ है। हम लोग घर पहुंच चुके हैं, इतनी बारिश है अभी तक भी, मतलब बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। देखो प्रशांत आज कुकिंग कर रहे हैं, क्या बना रहे हो आप? लेमन पेपर चिकन, कुछ स्पेशल ही दिख रहा है। ये चिकन बहुत ही अच्छा बनाते हैं, और मतलब जैसे लेमन चिकन हो, राड़ा चिकन हो, कढ़ाई चिकन हो, तंदूर, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी बनाते हैं चिकन की। देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी तो, अभी तो पूरी तरह से बना नहीं है, अभी तो उसमें टाइम लगे, कितना टाइम लगेगा प्रशांत इसमें? अभी 15 मिनट, अभी इसमें कम से कम 15 मिनट और लगेंगे। जब पूरा बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मतलब इसकी प्रेजेंटेशन होती है और टेस्ट भी। ये लेमन पेपर चिकन बनके रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में तो। तो हम आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी हमने डिनर भी कर लिया है और रात के 11 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बहुत जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। प्लीज़ अपना प्यार दिखाते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।